जनपद मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा क्षेत्र के रामगंगा नदी में एक शव के पड़े होने की खबर से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते शव को देखने वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलने पर घटना स्थल पर एसपी सिटी अमित आनंद, सीओ राजेश कुमार सहित भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई और शव की शिनाख्त कराई गई। काफी समय तक शव की पहचान नहीं हो पाई। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि सीओ कोतवाली राजेश कुमार को माइक से अनाउंस कर लोगों को हटाना पड़ा। दूर दूर खड़े हो क्या, साथ एक साथ में पास पास खड़े हो? ऐसी बीमारी फैली है, सबको बताया जा रहा है, लेकिन फिर आप लोग इसके लिए इतनी देश में इतनी व्यवस्था की जा रही है। कोरोना जैसी बीमारी एक दूसरे से शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देर रात गए उसकी पहचान सफाई कर्मी वीरेंद्र के रूप में हुई। बताते चले कि 3 दिन पहले घर से लापता हुए संविदा कर्मी मानसिक रूप से बीमार चल रहा था, जिसका शव 23 मार्च 2020 को रामगंगा नदी में तैरता हुआ उस वक्त मिला जब बच्चे रामगंगा तट पर खेल रहे थे। अचानक बच्चों की निगाह पानी में तैरते हुए शव पर पड़ी, जिसके बाद हड़कंप मच गया। उसकी जेब से मोबाइल मिला था, जिसके जरिए उसकी पहचान हुई। घटना की थाना मुगलपुरा पुलिस द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है और शव को पोस्टमार्टम के बाद उसके परिजनों को सौंप दिया गया है।